नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हुए थे, अभी तो हम पहले सबसे पहले तो हम बगला मुखी मंदिर में आए हुए थे और अभी हम जा रहे हैं माँ चामुंडा देवी के मंदिर में और वहाँ पे जो है दर्शन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर जो हमारे द्वारा डाले गए धार्मिक वीडियो ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और जल्दी से जो अब हम माँ चामुंडा देवी के मंदिर में जा रहे हैं। जय माँ चामुंडा देवी। अभी हम रानीताल पहुंचे हुए हैं जो बगलामुखी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ पर जो है ये रानीताल नामक स्टेशन है और ये देख सकते हैं आप बैक साइड में जो है जो शिमला मटौर नेशनल हाईवे उसका काम चला हुआ है और हम जो है दूसरी गाड़ी का भी वेट कर रहे हैं जिसमें मेरे चाचा चाची जी है और हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ये देख सकते हैं आप यहीं से जो है माँ ब्रजेश्वरी मंदिर का जो है रास्ता है और साथ में माँ चामुंडा देवी का रास्ता है और इसके अलावा जो है यहीं से जो है शिव मंदिर जो बैजनाथ में है वही के लिए जो रास्ता इस रानीताल से होके जाता है और यहाँ पर जो है ये कांगड़ा के लिए चला जाता है और ये इधर शिमला के लिए चला जाता है। और अभी हम जो है इस रास्ते से जो आए हैं ये रास्ता जो है हमारा बगलामुखी से आता है और मेरे चाचा जी की गाड़ी भी जो है आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है थोड़ा आपको असुविधा हो सकती है क्योंकि आजकल हिमाचल में जो है 4 लेन का काफ़ी जो है क्रेज हो रखा है और इसी के तहत जो है शिमला मटौर नेशनल जो हाईवे है उसका 4 लेन का काम भी जो है यहाँ पर चला हुआ है। देख सकते हैं आप काफ़ी भारी भरकम मशीनरी जो है काम पे लगी हुई है और अभी हम जो है रानीताल से निकले हैं और यहाँ से जो है मंदिर चामुंडा देवी का जो मंदिर है लगभग 35 से 36 किलोमीटर के आसपास है और अभी हम थोड़ा यहाँ पर आराम आराम से चल रहे हैं क्योंकि रोड जो है काफ़ी धुआं भरा है। देख सकते हैं आप और ओहो ये तो दिख भी नहीं रहा है कुछ। और हालांकि आज मौसम बिल्कुल साफ है और हम भी जो है आज सबसे पहले जो हम बगलामुखी मंदिर गए हुए थे उसके बाद जो अभी हम माँ चामुंडा देवी के मंदिर में जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जो ये शिमला मटौर नेशनल हाईवे की एक टनल यहाँ से जो बन रही है अभी हम आपको जो पुराने वाली टनल है वो दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप ये पुराने वाली टनल है जो काफ़ी पुरानी है और अब तो 4 लेन बनने से जो है नई नई टनलों का जो है विकास हो रहा है लेकिन ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है इस टनल को बनाया गया है और आज भी जो है टिकी हुई है। देख सकते हैं बिल्कुल मैन मेड ये टनल है और जल्दी से जो अब हम कांगड़ा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वहीं से जो है हम जो है चामुंडा माता के मंदिर के लिए जाएंगे। अभी हम दौलतपुर से आगे है जो टनल है यहाँ पे जो कांगड़ा टनल है ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये सारी मैन मेड टनल है और एक यहाँ पर सुंदर सा मंदिर है और हम रुके हैं क्योंकि अब भोजन का भी टाइम हो गया और बच्चों के साथ हम चले हुए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सी जगह है और देख सकते हैं आप पीपल का टियारा है और काफ़ी ठंडी और सुंदर जगह है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जलपान करने के लिए रुकेंगे और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। ले आओ श्रीजन थैला ले आओ निकाल के सारा और पानी की बॉटलें भी ले आओ है ना ऊपर ले आओ टियाड़े पे ले आओ मम्मा के पास दो। जूते चप्पल खोलो एंजल सुजल जल्दी सभी जूते चप्पल खोलो नीचे भाई टियाड़े पे नहीं जाना ऐसे जूतों के साथ। साफ है बढ़िया है कुछ नहीं है बिल्कुल सीमेंटेड है पानी है सब कुछ है आ जाओ आप है। एंजल बढ़िया है ना यहाँ पिकनिक भी हो गई आज तुम्हारी है ना बहुत बढ़िया है। तो क्या है अच्छा शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ पे माथा टेक लो कोई बात नहीं लगाओ झाड़ू वेरी गुड 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 करो साफ अपने लिए बैठने के लिए जगह करो साफ आ जाओ ले आओ पानी ले आओ भूख लगी होनी आपने बोलना रुक नहीं रहा है तेल डलवाया मैंने डलवाना है तेल अभी तो बैठो बढ़िया टियाला है ना चाची सूजल बांटेगा सबको पत्तल एक एक पत्तल दे दो सबको फटाफट दे दो और लाइन में बैठ जाओ जल्दी जल्दी खाना खाओ हैंड वॉश करो नाना के पास जाओ नायरा जाओ शाबाश वेरी गुड पतले पतले काटना खीरे है ना।
खाने में हमने जो है आलू मटर बनाए हुए हैं, रायता है साथ में, सलाद भी कर रही है ना, जल्दी जल्दी करो, और चपातियाँ हैं, और हम बैठे हुए हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। और मंदिर में भी अभी घूमने के लिए जो हमने जाना है, क्योंकि बच्चों को साथ है तो आपको पता ही है थोड़ा टाइम लगता है, और बच्चे जो है भूख से, जो है भूख से क्या हो रहा था तुम्हें, बुरे हाल हो रहे थे सूजल के, बुरा हाल हो रहा था। खाओ जल्दी जल्दी खाओ, करो स्टार्ट, आप दो चपाती दो सूजल को, सूजल को सबसे पहले लगती है भूख। लाओ तो लाओ चाचू जल्दी, फिर लेट हो जाना हमने, जल्दी जल्दी करो फटाफट लंच, और चलो फिर जल्दी से चामुंडा माता के मंदिर में। अभी हम पानी पीने रुके हुए हैं, और वहाँ से ठीक अपोजिट जो है कांगड़ा किला दिखाई दे रहा है, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें, इसका भी मैंने एक वीडियो ब्लॉग जो है बना रखा है। और ये रुके हुए हैं हम यहाँ पे, जो है नेचुरल पानी के जो सोर्सेज हैं हिमाचल में, जो है जगह जगहों पर जो है आपको नेचुरल पानी के सोर्सेज मिल सकते हैं। आ जा जल्दी, यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड के लिए जो है ये कांगड़ा के लिए चला जाता है, और राइट हैंड से जो है पालमपुर के लिए रास्ता चला जाता है। इसी रास्ते पे जो है टांडा मेडिकल कॉलेज भी है, और साथ में जो है माँ चामुंडा देवी का टेंपल है, और इसी रास्ते पे जो है भगवान भोलेनाथ का टेंपल है जो बैजनाथ में है। तो बने रहिएगा वीडियो में, और जल्दी से जो अब हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। अभी हम जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के पास पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये दिखाओ बेटा, इधर ये देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है कांगड़ा ज़िले का, वो यहीं पर है, ये देख सकते हैं टांडा मेडिकल कॉलेज। और ये टांडा का बाज़ार है, हालांकि आज संडे है तो इसके चलते जो है चहल पहल बिल्कुल कम है। तो बने रहिएगा जल्दी से, जो अब हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम जो है चामुंडा देवी के मंदिर में पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है चामुंडा देवी का मंदिर दिख रहा है, और यहाँ हमने गाड़ियाँ जो पार्किंग में लगा ली है, और जल्दी से जो अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है मौसम भी ठीक है। और हालांकि इधर बैक साइड में जो है इस यहाँ से धर्मशाला जो है लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और मैकलोडगंज है अपना, योलकंट है, तो साइड संभावना बन रही है कि वहाँ हो सकता है बारिश लगी हो। तो जल्दी से जो अब हम मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो चलो, बारिश पड़ने वाली है, फिर आ जाओ सारे, नायरा जल्दी चलो, पैराग्लाइडिंग भी इधर ही है सारी, धर्मशाला है साथ में, हाँ चलो तो चलो फिर आओ नायरा, चलो जल्दी प्रसाद ले लिया ना, ना चलो तो फिर लेट हो जाना, जल्दी आओ, बारिश का मौसम भी आ गया है ना। तो फाइनली जो है हम माता रानी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है चामुंडा रानी का जो प्रवेश द्वार है, और आज संडे के चलते जो काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तो आइए जल्दी से जो अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, बच्चे कहाँ है तू, जल्दी आओ जल्दी, एंजल आप चलो मेरे साथ। आज जो है मंदिर में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं तो नीचे तक जो है लाइन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, चामुंडा रानी का जो है पूरे मंदिर का जो है बैम्बू से जो है बहुत ही सुंदर जो है मंदिर का जो है प्रारूप बनाया गया है, देख सकते हैं आप। धीरे धीरे जो है हम भी जो अब मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुँच चुके हैं, और काफ़ी भीड़ के चलते जो है हम भी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी से जो अब हम माता रानी के दर्शन करके जो है फिर वापिस आएंगे, बस पहुंचने वाले हैं, ना जय करेंगे हम मंदिर में, करो जय माता दी, जय माता दी, ये देख सकते हैं आप, यहीं पर जो है माता रानी का जो है मुख्य दरबार है, और माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। जय मेरी माता रानी।
मंदिर में हमने माथा टेक लिया। हालांकि यहाँ पर जो है वीडियो शूट करने के लिए जो है ज़्यादातर हमारे मंदिरों में जो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी जो है हमने हल्की फुल्की कोशिश की आपको माता रानी के दर्शन करवाने की। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी विशाल जो है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है और काफ़ी बड़े विशाल एरिया में जो है मंदिर है। ये देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पर जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए जो है स्विमिंग पूल जो है बनाया गया है। और आइए अब आपको मंदिर के चारों ओर घुमाते हैं। आइए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर एक शिव मंदिर है वहाँ पर लिए चलते हैं और भगवान भोलेनाथ के जो है दर्शन करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप प्राचीन समय की जो है नंदी महाराज की यहाँ पर जो है प्रतिमा जो है आज भी ऐसा करते हैं। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्राचीन है। आइए अब आपको जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लिए चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है आज द्वार के चलते जो है काफ़ी रस है। यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की जो है बहुत बड़ी जो है विशाल चट्टान जो स्थापित है और यहाँ इसके नीचे जो है गुफा है और यहाँ पर जो वीडियो बनाना मना है ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर है महादेव का। हम तीनों जो है माथा टेक के जो है वेट कर रहे हैं क्योंकि आज रस बहुत है और अभी चाचा चाची एंजल और मेरे कज़न वो अभी अंदर ही हैं और गुफा के दर्शन कर रहे हैं। हम गुफा के दर्शन करके जो है बाहर पहुंच चुके हैं और उनका जो है वेट कर रहे हैं। आइए अब आपको चामुंडा घाट की ओर लिए चलते हैं। देख सकते हैं आप ये सारा जो है चामुंडा घाट है और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर आज स्नान कर रहे हैं। सूजल ने भी कर लगाना है, डुबकी लगानी है तो एक एक आ जाओ आ जाओ, ठीक है आ जाओ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है एक स्विमिंग पूल की तरह जो है घाट का निर्माण किया गया है और बीच में जो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है और लोग यहाँ पर जो है आज स्नान का एंजॉय ले रहे हैं। सृजन भी रेडी हो चुका है, है सूजल एंजल भी जो है, पर अरे पूरे लेना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है, आराम से है ना। एंजल इधर ना आओ, मजे से ना आओ बेटा, इधर ना। और सूजल लगाओ डुबकी, लगाओ जल्दी से। सृजन तुम भी लगाओ डुबकी। डुबकी लगाओ। देखो नायरा को नलाओ जल्दी। एंजल भी कहाँ है, एंजल है ना। और सूजल मजे करो, एंजॉय करो आज, है ना। ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर जो है चामुंडा घाट है और यहाँ पर जो है साथ में एक नदी है और जो दिन रात बह रही है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। देख सकते हैं आप एक ये सामने जो है यहाँ पर शेर की जो है प्रतिमा जो है ऊंचे टीला बनाकर जो है स्थापित की गई है और साथ में जो देख सकते हैं आप अरे भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत जो नदी चामुंडा माता के मंदिर के साथ बहती है, ये देख सकते हैं आप। और बीच में जो एक ब्रिज भी बनाया गया है जो टूरिस्ट को जो है काफ़ी अट्रैक्ट करता है और काफ़ी लोग जो है मंदिर में जो है हर साल जो है माता रानी के दर्शनों को आते हैं। देख सकते हैं आप चना दाल के शौकीन लोगों के लिए, देख सकते हैं आप पुल के ऊपर ही एक अंकल बैठे हो और काफ़ी चटपटी जो चाट ये बनाते हैं और ये बोलते हैं कि एक बार इनके पास खाते हैं और बार बार आते हैं। मैं आया भी यार, अभी टेस्ट कर रहा हूँ मैं आपकी बनाई हुई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है और इस ब्रिज से जो है आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद पानी जो है आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल ठंडा पानी जो है पहाड़ों से जो है बहकर इस नदी में आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से आपको जो है माँ चामुंडा रानी के मंदिर का जो है फुल व्यू देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब भी आप छुट्टियों के समय या अन्य किसी ओकेजन पे हिमाचल आएँ तो हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को ज़रूर विजिट करें। और देख सकते हैं आप चारों तरफ जो है
इस नदी के पानी की कलकल आवाज़ आपको सुनाई देगी। चाचू नहीं आए, आओ जल्दी आओ। शमशान घाट भी है यहाँ पर, है ना, एक ये है इधर और एक इधर ये भी है नदी के किनारे, जो यहाँ पर शमशान घाट भी है, जो हर जीवित व्यक्ति जो धरती पर आया हो उसकी मुक्ति का द्वार है। और ये देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पर जो मुर्दे जलाए जा रहे थे, एक वहाँ पर जो है अभी मुर्दा जलाया जा रहा है। तो आज हम आए हुए थे चामुंडा देवी के मंदिर में, जो जिला कांगड़ा में स्थित है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय चामुंडा माता, बाय। एंजल देखो, इधर देखो, आराम से कैमरा गिल्ला हो जाना। क्या बंदे हो तुम, ऐसे नहीं करो।